हमारे चाची वहाँ पे एडमिट है, लड़ रही है, कैंसर जैसे से लड़ रही है वो। फ्रैक्चर वार उनमें रड लगाया गया भाई, बहुत ही डरावना टाइप से लग रहा है एक घटना घटा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि अभी हमें हेलमेट उलमेट और अपना स्कूटी ले लिया हूँ और यहाँ सब रांची से हम घर निकल रहे हैं, जो कि हमको घर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा पेशेंट है भाई, उसके लिए कुछ फंडिंग इकट्ठा करना है। तो हमको तमाम लोगों से मिलना है, विधायक, मंत्री और जितने भी लोग हैं, तमाम लोग और जो फेमस लोग हैं उन लोगों के साथ जाके वेट करना है। कुछ भी मदद मिले और आप लोग से भी कुछ भी मदद मिले तो आप लोग भी करें भाई, फोन पे QR कोड या स्कैनर, जिससे भी आप लोग मदद है एक दो रुपया करें भाई। बहुत ही अभी हम लोग मुसीबत में है, पूरा फैमिली हम लोग टेंशन में है, इसकी वजह से हमको मुंबई से आना जाना इधर करना पड़ रहा है। और अभी जैसे कि अभी ट्रीटमेंट तो आप लोग को बता ही चुके हैं कि 6 महीना तक या फिर साल भर या 2 साल तक भी लग सकता है, तो उसके लिए हमको फंडिंग का बहुत ही ज़रूरी है। और आप सभी को भाई बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी इसमें भागीदारी बनेंगे और आप लोग भी बढ़ चढ़ के हम लोग को सहायता करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही अभी निकल चुके हैं हम यहाँ रांची से और हमको लगेगा यहाँ से 3 से 4 घंटा घर जाने में, तो रुक रुक के जाएंगे और आप लोग को कुछ दिखाते हुए जाएंगे, जो मिलेगा आपको देखने लायक तो उसको दिखाते हुए चलेंगे। हम लोग का सिकंदरी घाटी है, बहुत ही मस्त घाटी है भाई। ये देख रहे हो टर्निंग, ये घाटी पूरा वहाँ तक जाता है, वो रोड जो दिख रहा होगा, मंदिर जो दिख रहा होगा वहाँ तक जाता है। और बहुत ही खूबसूरत है भाई ये घाटी, बहुत ही खूबसूरत है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं घाटी, लाजवाब है। आप कभी भी इस रास्ते से गुजरे ना तो इस घाटी में एक बार कहीं रुक के इस घाटी को निहारने की कोशिश करें, आपको इस चीज़ का खूबसूरती पता चलेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त झारखंड का एकमात्र जगह है सिकंदरी घाटी, जो कि हमारे बोकारो से रांची आने के टाइम में ये मिलता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। और जितना भी बरसात के कारण ये है ना, बहुत पेड़ पौधा हो गए हैं इसके कारण से दिख नहीं रहा है रोड का अच्छा से किनारा, लेकिन ये गजब का खूबसूरती है भाई। अचानक मुझे धनबाद आना पड़ा और मामा का बहुत बुरा हाल, फ्रैक्चर हो चुका है पैर उनके लिए, और सुनने में आया तो यहाँ पे हम दौड़े दौड़े आए हैं क्योंकि आज डिस्चार्ज होने वाला है। अब देखो उनका हड्डी किस तरह से फ्रैक्चर हुआ, उनमें रड लगाया गया भाई, बहुत ही डरावना टाइप से लग रहा है। एक घटना घटा नहीं कि दूसरा घटना सुनने को मिलता है तो भाई कहाँ से आदमी सर्वाइवल कर सकता है, कहाँ से ढाढ़स कर सकता है अपने आप को। तो वो चीज़ देख के फिर से मुझे अजीब सा फील हो रहा है। और अभी हम धनबाद आए हैं उनको डिस्चार्ज करवाने के लिए। आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे ही किस तरह से उनका रड लगाया गया है और बहुत ही बुरा तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था उनके तो। और यहाँ पे भी टेंशन, फिर उधर भी टेंशन, और बहुत तमाम टेंशन है। तो अभी आए हैं डिस्चार्ज करवाएंगे, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी मेडिसिन वोडिसन पेपर वर्क हो रहा है। कैलाश हॉस्पिटल में ही भर्ती हैं और यहाँ पे जो दिख रहा है कैलाश हॉस्पिटल इसी में भर्ती है। और ये मेडिकल, यहाँ पे अभी दवाई लेना है मुझे, उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज करना है। बताया था कि हमको धनबाद पहुंचना पड़ा क्योंकि मामा का जो है ना पैर फ्रैक्चर हो गया था, उनको डिस्चार्ज के लिए बुलाया गया था, तो उनको आदमी चाहिए था। और हम लोग पहुंचे वहां पे और डिस्चार्ज के किस तरह से हम लोग का कष्ट भाई, हर तरह से कष्ट मिल रहा है। एक तरफ हमारे चाची वहां पे एडमिट है, लड़ रही है, कैंसर जैसे से लड़ रही है वो, और ऊपर से हम लोग सारा फैमिली उसमें इन्वॉल्व थे और एक घटना घट जाता है, तो हम लोग कहां से हम लोग ढाढ़स करें और कहाँ से हम लोग मजबूती लाएंगे। क्योंकि मेरे मामा जो थे ना, रीढ़ के हड्डी का काम करते थे हम लोग का घर का, क्योंकि वो कुछ भी मेरे घर में होता था ना वो आके खड़ा होते थे, क्योंकि हम रहते नहीं थे और घर में नहीं रहने के कारण जो भी काम, कुछ भी घटना या कुछ भी होता था तो वो हमारे घर में मौजूद हो जाते थे, एक कॉल में ही मौजूद हो जाते थे। लेकिन अब इतना बड़ा घटना हो गया था कि अब वो 2 महीना 3 महीना बेड में ही रहेंगे और ऊपर से हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे भाई, बहुत दिक्कत में भाई, आप लोग बता नहीं पा रहे, हम रोना आ रहा है, आप समझ सकते हो। इधर भी लड़ो उधर भी देखो, हर जगह अकेले करना पड़ता, हर जगह मुझे दौड़ना पड़ता। यहाँ पे अभी हमको चचा का लोगों से, जहाँ चचा काम करते वहाँ पे भी हमको
जाके लोगों से मिलना है, उन लोग से भी रिक्वेस्ट करना है कि उनका नौकरी बच जाए। उसके बाद फिर मुझे चाची जहाँ स्कूल पढ़ाती थी वहाँ भी हमको भी जाके उन लोगों को अपील करना है कि कुछ मदद मिल जाए, आप लोग भी मदद करने का कोशिश करें। और क्या बोले हैं, जितना कष्ट हो रहा है ना, जितना अभी देख रहे हैं कि हम धनबाद से लाएँ, किस तरह से वो कष्ट झेल रहे थे, हम लोग देखने का मन नहीं कर रहा था एक तरह से। और इससे ज़्यादा क्या ही बोले, एक तरफ मेरा उधर चाची मुंबई में लड़ रही है, इधर घर में भी मामा जो रेट का काम कर रहे थे हड्डी का, वो भी ऐसे बेहाल में है। तो सारा टेंशन अब मेरे पे ही आ गया है। तो आप लोग कृपया आप लोग सहयोग बनाए रखें और सपोर्ट करें भाई मेरे को, और इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं बोल पाते हैं।